हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक अच्छी खबर आ रही है, 26 तारीख का ये आप लोगों के सामने न्यूज़ है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि जैसे ही रिज़ल्ट आया था यूपीपीएससी 2013 एई का, जैसे ही रिज़ल्ट आया था तभी ये क्लियर हो गया था कि वैकेंसीज ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में जारी होगा असिस्टेंट इंजीनियरों की भर्ती का विज्ञापन। तो ये तो आपको पता है कि दिसंबर माह में ये ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा नोटिफिकेशन। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, एक्चुअली में क्या था कि जैसे ही 2013 वाली वैकेंसी का जैसे ही रिज़ल्ट आया था उसी समय आसार दिखने लग गए थे, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टॉपर था या और भी लोग थे जो ज़्यादातर टॉपर थे इसके, वो सब लोग पहले से ही ज्वाइनिंग कर चुके थे और काफ़ी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में वो पहले से ही जॉब कर रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पे वैकेंसी रिक्त रहना एक बिल्कुल ऐसा था कि रिक्त रहनी ही थी वैकेंसी, और सेम जेई में भी होगा, आप लोगों को देखने मिलेगा। अभी 3000 जेई वैकेंसी का यूपीपीएससी के थ्रू जो जेई की वैकेंसी आई थी उन लोगों का भी अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे बच्चे अभी यही परेशान थे कि उन लोगों को रोल नंबर नहीं मिल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उसमें भी ऐसा ही हुआ है कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो लोग वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से ही सिलेक्शन ले चुके हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कब वैकेंसी आने वाली है, क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पूरा लिखा हुआ है कि प्रदेश के अलग अलग विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर पद एई की भर्ती निकालने की तैयारी अंतिम पड़ाव पर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर पद की भर्ती के लिए हर विभाग से ब्यौरा मंगा लिया है और ब्यौरे का परीक्षण भी पूरा करके अब भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी चल रही है। दिसंबर माह के प्रथम पखवाड़े में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दिसंबर माह के प्रथम पखवाड़े में भर्ती का विज्ञापन निकाला जा सकता है। और आयोग सिंचाई लोक निर्माण विभाग में ओवरऑल जो है 900 पदों की वैकेंसी है, जिसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि करीब 100-150 वैकेंसी मैकेनिकल के लिए हैं और इतनी ही वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, और बाकी सारी वैकेंसीज आप लोगों को पता है एज इट इज़ जैसे कि रहती हैं। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहती हैं। सरकारी विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती 2013 से हुई नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। UP SSC ने जो पद निकाले थे जेई के निकाले हैं, वो अलग से पद निकाले हैं। फिलहाल जो 3000 जेई का रिजल्ट आया हुआ था UPPCS का, UPPSC के थ्रू जो रिज़ल्ट आया था 3000 JEE का, उन लोगों का दोबारा से वैकेंसी आने के चांसेस हैं, लेकिन अब UP SSC निकालेगी उस वैकेंसी को, UPPCS ने नहीं निकाला, UPPSC नहीं निकालेगा उसे। इधर असिस्टेंट इंजीनियर पद की भर्ती निकालने की कवायद तेज़ी से चल रही है और विभिन्न विभागों से असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए आए ब्यौरे में आरक्षण प्रक्रिया लागू की जा रही है, और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी कर दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ देखिए ये किसने जानकारी दी है, आयोग के सचिव मतलब UPPSC के सचिव जगदीश का कहना है कि असिस्टेंट इंजीनियर पद की भर्ती निकालने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ जोर जोश से लिख रखा है, विभागीय स्तर पर पदों का निर्धारण हो चुका है और कुछ प्रक्रिया अभी पूरी करनी बाकी है, उसके पूरे होते ही भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि AE की पोस्ट 5400 ग्रेड पे आती है और बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। आप लोगों को स्टेट में अगर जॉब चाहिए और आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो इससे अच्छी जॉब बहुत ही, मतलब आप ये मान सकते हैं, वैसे क्या हो रहा है आप लोगों को NTPC या ये सारी जॉब मिल रही है, तो आप लोगों को देख रहे होंगे कि कैसी जॉब मिल रही है, 4200 ग्रेड पे भी बहुत कम मिल रहा है, यहाँ पे 5400 ग्रेड पे की नौकरी आती है और ग्रेड ए में आती हैं ज़्यादातर वैकेंसीज़। तो ग्रेड ए ऑफिसर में आपका नंबर होता है तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल जो है ये इंपॉर्टेंट बात थी। और इसी के साथ 40,000 प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पदों की विज्ञापन जारी करने की मांग हो रही है, इसके बारे में अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन 900 JEE की जो वो 900 जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आनी है वो तो आने ही वाली हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक भी कम्युनिटी सेक्शन को विज़िट नहीं किया है, एक बार कम्युनिटी सेक्शन को जाके विज़िट ज़रूर करें, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डेली पोस्ट किए जाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पे प्रेस करते हैं तो आप लोगों को डेली वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में, चाहे NTPC हो, ग्रुप डी हो, कोई भी हो, आपका बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।